दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह उठ चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा डेट एक्सरसाइज करने जाते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, टाइम हो गया है 7 7 बजे हैं समथिंग। तो 7 बजे अभी निकलते हैं, क्योंकि कल दोस्त को बोला था 7 में चलना, तो बोला मेरे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता तो लेट चलना है। तो अभी बस अभी उठे हैं, 7 बज रहे हैं। तो उठ तो मैं 6 बजे गया था, फिर वो बोला 7 बजे उठेंगे फिर चलेंगे। तो अभी 7 बजे उठेंगे फिर चलेंगे। और अभी मामा गए नहाने, क्योंकि वो स्कूल की छुट्टी है, वो एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए निकलेंगे। तो अभी मतलब पूजा करेंगे ना थोड़ी देर बाद। तभी मामी जी बोल रही है अभी नहला देती हूँ मैं, तो फिर बाद में पूजा वूजा भी हो जाएगी। और शगुन सो रही है अपने रूम में, कल दवाई दी थी उसको, कल दिखा के लिए आई थी उसको, पूरी ठीक है वो। पता नहीं उसके मन को लग रहा है कोई जानवर वानवर तो होता है ना, कोई मतलब कोई कीट पतंगा, वो या तो उसने खा लिया या वो उसको खा गया, बस वही सीन था। तो उसके थोड़ा सा मुंह फूल सा गया, तो डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दवाई दे दी। तो अभी निकलते हैं जल्दी से, दोस्त आने वाला है, फोन भी नहीं उठा रहा, अब आएगा ही नहीं जा रहा, मेरे को अकेले जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो मैं पहले चलता था। तो अभी निकलता हूँ मैं एक्सरसाइज करने, फिर एक्सरसाइज करके फिर आपसे मिलता हूँ। ले आज की एक्सरसाइज हो चुकी है और अभी पूरी तरह से बिल्कुल पूरे थक गए हैं। मैं यहाँ पे नीम हमारे जो घर के पास में नज़दीकी पार्क है वहाँ पे आया हुआ हूँ, क्योंकि अगर इस पार्क में बीच में अगर वो लगा देना क्या बोलते हैं दूब घास लेट गया दूब रे, तो एकदम मस्त पार्क लगे, एकदम बढ़िया कर दिया। और पीछे वो जो इक्विपमेंट लग रहे हैं वहीं पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है, क्योंकि दोस्त आए नहीं फिर मूड भी नहीं हो रहा। तो अभी चलते हैं घर पे, वो घर पे जाने के बाद नहा के फिर मिलते हैं आपसे। रहा है कि वो सोने से बीमारी चली जाएगी, मतलब ये देखो आराम से कितने प्यार से सो रही है शगुन। क्या हुआ? अब ऐसे सोने का, ऐसे सोते रहने का, रेस्ट करो 2 3 दिन तक, फिर पूरा मतलब एलर्जी है ना तेरे को, उसी हो जाएगी। ठीक है दवाई ले लो। खाना खा लिया? खाना खा लिया? नहीं खाया तो खाना तो खा लेते। वो टीका भी देखे तार मोटा निकाला है टीका। नाना जी के दोस्त हैं, तो उन्होंने उनके पास से मोबाइल मंगाए थे नाना जी, तो उनका फ़ोन आया था, तो नाना जी खुद जा रहे थे, मैं बोला मैं ले आता हूँ, तो मार्केट में जाना है तो मार्केट वो मूंगफली है वो नाना जी लेके आ रखे हैं, तो मूंगफली लेने जा रहे हैं अभी, क्योंकि तो गर्मी में अब सर्दी का सीजन आ गया तो मूंगफली वूफली चाहिए ही अपने को। तो नाना जी के दोस्त हैं, उनके खेत वेत है तो मूंगफली वूफली उगाते हैं, तो अभी जाते हैं टेम्पो में बैठते हैं और लेके आते हैं मूंगफली। कार्ड का ओवरलोडेड यहीं पर मिल गया है, तो काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी काफ़ी मतलब घर के पास में हो जाए तो अच्छा है। मूंगफली आ गई अपनी, इतनी मूंगफली चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे नाना जी वगैरह है, मतलब 2 आदमी रहते हैं तो 2 आदमियों के लिए तो बहुत है इतनी। तो अभी आ गया हूँ मैं घर पे, और जो पिछले दिखाया था वो फ्लिपकार्ट या अमेजन, फ्लिपकार्ट का था वो, वेयर हाउस था, तो काफ़ी अच्छा है, घर के पास ही पास में हो गया है। तो अभी घर पर जाके मिलते हैं आपसे। थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर अभी भूख लग चुकी है, तो अभी समथिंग बच चुके हैं 1, तो अभी ये थोड़ा खीर है, क्योंकि आज व्रत था ना नवरात्रा का, आज सभी का व्रत था, तो खीर बनाई थी और आलू की सब्जी बनाई थी और रोटी है। तो अभी इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। शगुन को पता नहीं क्या मतलब दाने दाने हो गए पूरे चेहरे पे, दाने दाने नहीं मतलब एलर्जी टाइप का कुछ होता है ना, लाल लाल सा हो गया। तो अभी निकलते हैं गाड़ी में और शगुन बैठी अंदर गाड़ी में, चलते हैं। लाल लाल से दिख रहा होगा देखो चेहरे पे, हाथ दिखा, हाथ पे इतना नहीं दिख रहा, फिर भी दिखा लेते हैं, कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस इसलिए दिखा रहे हैं बाद में कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभी निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको, अपडेट दे देते हैं डॉक्टर से मिलने के बाद, अपडेट देते हैं आपको। मैं अभी भीड़ गए इंजेक्शन इंजेक्शन लगा, अरे रोने लग गए शगुन, रोने लग गए शगुन। अब नहीं होगा, अब दवाई ले लेंगे, बस एक बार होता है वो, तो अब नहीं होगा। भाई इंजेक्शन कौन लगा, आधी घंटा था तो इंजेक्शन कौन लगेगा। तो अभी आ चुके हम दांतों वाले डॉक्टर के पास, यहाँ पे नाना जी को दिखाना है, क्योंकि सुधर में ऐसे पूरा हो गया था, देखो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे पूरा फूल गया था वो, पूरा सिस्टम पूरा मतलब सूजन भी हो गई थी, दिखा नहीं रहे थे, जबरदस्ती लेके आया हूँ। और उधर से मम्मी दबाव दे रखी थी मेरे पे कि उसको दिखा के लाओ, दिखा के लाओ। तो अभी अंदर दिखाता हूँ, देखो वहाँ पे दादाजी दिख रहे हो गए, आपको दिखे हो गए दादाजी। तो अभी बस अभी अभी मामी जी को वहाँ पे छोड़ के आया हूँ मैं, कपड़ा अस्पताल के पास में, तो वो सामने जो पड़ोसन है तो वो उनको लेके गई हुई है, तो उनको दिखाते हैं।
फाइनली नाना जी को दिखा के ले आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दिन तक दवाई से ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं वरना झाड़ को ठाड़ा ही पड़ेगा। तो अभी चलते हैं मामी जी को लेते हैं, वहाँ पे वेट कर रही है, वहाँ पे अभी लेते हैं। अभी अपन घर पे पहुंच गए हैं, तो आज के ब्लॉग में मैं 3 बार घर पे पहुंचा हूँ मतलब 3 बार आना जाना हो गया है। तो आज के ब्लॉग में क्या सीन था, पहले तो शगुन को दिखा के लाए, फिर नहीं पहले तो मूंगफली लेने गया था जैसा कि पहले पिछले वाले में क्लिप में दिखा चुका हूँ, और दूसरे बार में शगुन को दिखा के लाए, फिर वापस घर पे आया। तो अब गया नाना जी को और मामी जी को इकट्ठे दिखा के आया है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ज़्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है, बस ये सीन था। तो अभी घर पे आ गए हैं, देखते हैं अब आए क्या सीन होता है। और नाना जी देखो इधर क्या बाल्टी ले लेके, पता नहीं देखो दिख रहे हो उधर बाल्टी रख रखी, देखो जोश आ गया आज डॉक्टर के पास जाते ही तो देखते हैं आगे का अपडेट भी, आपको शाम तक क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता है बताऊंगा आपको।